तो पावर बी आई की हमारी इस क्लास में अभी तक जो हम कर चुके हैं वो हमने डेटा कनेक्टिविटी को पढ़ा, डेटा कैसे कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद विजुलाइजेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया टेबल्स, कि आप टेबल्स में किस तरह के डेटा लेके आ सकते। टेबल्स के बाद हम बात करेंगे कार्ट के बारे में, गट चार्ट के बारे में और स्लाइसर के बारे में, तीन चीजों के आज बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ट। देखिए, अगर आपको पावर बीआई में कोई भी ऐसी फिगर शो करनी है, अगर आपको विजुलाइजेशन शो करनी है, देन आप यूज करते हैं चार्ट्स की। अगर आपको डेटा शो करनी है, देन वी विल शो द टेबल। बट मुझे टोटल शो करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैं जाना बताना चाहता हूँ कि टोटल क्वांटिटी इतनी सेल हुई, टोटल ओवरऑल क्वांटिटी इतनी सेल। तो ऐसे केसेस में क्या करें? तो अगर हम टेबल लेते हैं, अगर हम टेबल लिए एंड वी विल ड्रॉप द क्वांटिटी इन द टेबल, सो यू कैन सी इट, सो दिस टेबल। लेकिन इतनी अट्रैक्टिव और इतना बड़ा साइज नहीं है। अगर इसी चीज को अगर हम यहाँ आपके सामने दिख रहा है कार्ड, इस कार्ड को लेते हैं एंड इसमें अपनी क्वांटिटी को डालते हैं, तो यहां सो टेबल के कंपैरिजन में आपका कार्ड इज बेटर। इसलिए जो भी हमें टेबल्स का यूज कब हुआ, जब मुझे डेटा इशू करना हो। बट कार्ड का यूज कब करना होगा, जब उस डेटा को, उस डेटा की टोटल, पर्टिकुलर कॉलम्स की टोटल्स या किसी कैलकुलेशन का टोटल आपको शो करना होगा, तो हम कार्ड, जब कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ध्यान रखिए कार्ड एक बार में किसी एक ही कॉलम को सर्च करता है। ऐसे नहीं कि मैं एमआरपी और क्वांटिटी दोनों इकट्ठा में यहाँ पे डाल दूं तो दिखेगा, नहीं, कोई एक ही दिखेगा। अगर दूसरा डालेंगे तो पहला रिप्लेस है। सो नाउ वी हैव ड्रॉप द क्वांटिटी एंड वेन यू हैव ड्रॉप द एमआरपी, सो एमआर क्वांटिटी रिप्लेस बाय एमआर, सो वन टाइम वन कॉलम, सिंपल। उसके बाद यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें, तो फॉर्मेटिंग दो तरह की है, फर्स्ट द विजुअल, सेकेंड द जनरल। इन द विजुअल वी हैव द टू वैल्यू, पुल आउट वैल्यू एंड कैटेगरी। जो वैल्यू है, इट मीन जो 489K दिख रहा है, दिस इज द वैल्यू, और जो लेवल है जो यहाँ पे दिख रहा है, सम ऑफ द वैल्यू, सम ऑफ द क्वांटिटी इज द लेवल। सो आप डिफरेंट डिफरेंट बोथ को डिफरेंट डिफरेंट मैं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू की बात करें, फर्स्ट वी चेंज द फॉर्म फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऑल्सो चेंज द कलर एंड ऑल्सो गिव द कंडीशंस कलर। जस्ट लाइक मुझे यहां पे देखना है कि अगर इसकी क्वांटिटी, यहाँ पे इफेक्ट्स भी क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आप आके अपनी दे सकते हैं वैल्यू, रूल्स दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो हमने बोला कि सम ऑफ द क्वांटिटी अगर ये ग्रेटर देन, मान लीजिए कि 48,000 है, या 48,000, तो हमने बोला कि ग्रेटर देन 48,000 एंड बिलो द मैक्स कर दिया हमने, तो ग्रीन होना चाहिए, सिलेक्ट द कलर ग्रीन। मीन हो गया। सो अगर ये 40,000 या 48,000 से नीचे जाएगा तो कलर कुछ और होगा। तो यहाँ पे आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं। रिमेम्बर कि कहीं भी आप वे वो गेट द एफेक्ट्स, इन दिस एफेक्ट्स असेंबल, जहां भी देखेंगे इट मीन्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देन द यूनिट ऑटो, ऑटो मतलब कि जितना बड़ा यूनिट होगा उसके हिसाब से वो राउंड हो जाएगा। जैसे भी अभी फिलहाल दिख पा रहा है कि 1,000 पे राउंड है। अगर मैं इसको नन कर दूं, इफ यू चूज द नन, तो पूरा आपको 4,88,000 के दिख रहा है। उसी तरह से अगर मैं मिलियन कर दूं तो आपके मिलियन में दिखेगा, अगर हम बिलियन करेंगे तो बिलियन में दिखेगा, थाउजेंड करेंगे तो थाउजेंड दिखेगा। दैट दिस इज द डेसिमल प्लेसेस, रैप टेक्स्ट करना है, सोर्स स्पेसिंग रखना है या स्पेसिंग नहीं रखना है, वो भी डिपेंड करता है। उसी तरह से कॉलआउट लेबल पे आएंगे तो सेम, वहीं भी सेम फॉर्मेटिंग है कि आप यहाँ पे
जो नीचे सम ऑफ क्वांटिटी है उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसकी कलर बड़ा चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, अब यहाँ पे इसकी चेंज कर विजुअल में। अब जनरल की बात करें, जनरल भी फॉर्मेटिंग सब जगह सेम ही होती है। जैसे कि यहाँ मैं इसकी टेबल ऑन करना चाहूँ और अपने हिसाब से टेबल, जैसे मैं चाहता हूँ कि सम ऑफ क्वांटिटी नहीं सोल्ड क्वांटिटी शो हो, तो मैं वैल्यू में आऊंगा और यहाँ पे जो कैटेगरी लेवल दिख रहा है कैटेगरी लेवल को मैं कर दूंगा ऑफ, और जनरल में आऊंगा टाइटल को ऑन करके यहाँ पे टाइटल जो लिखना चाहता हूं मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सोल्ड मार्केट। और इस पे भी एफएक्स करके हम अपने यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये हेडिंग 3 है, उसके बाद इसकी बोल्ड करना है, इसको अंडरलाइन करना, रैप करना, सब टाइटल इसके नीचे एक और सब टाइटल ऐड कर सकते हैं इन बॉक्स इस तरह से, और उसकी अलग फॉर्मेटिंग करना, उसका अलग कलर करना, रैप टेक्स्ट करना है, डिवाइडर एक डिवाइडर एक लाइन ऐड हो जाएगा टाइटल में और आपके फिगर में इस तरह का लाइन ऐड करना। That स्पेसिंग में आए तो स्पेसिंग को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जो इसकी स्पेसिंग है उसी स्पेसिंग में। इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हो या हटा सकते हो, या तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हो, उसी तरह से बॉर्डर दे सकते हो, विजुअल दे सकते हैं, हिडन आइकन, टूल टिप्स, ऑल टेक्स्ट, ये चीज आप यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग बाकी सेम ही है। तो आपको ये पता चल गया कि हम विजुअल में हम जो कार्ड है हमारा एक कार्ड कैसे लेते हैं। किसी को दिक्कत, एनी डाउट्स, मूर्ति एनी प्रॉब्लम, सुशांत पटनायक जी एनी डाउट्स? तो कार्ड के जो कार्ड में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे ना हमें कहीं हिंदी में पेस्ट है तो उसको हम पोस्ट करें पेस्ट नहीं होगा। देखिए पेस्ट के लिए आप इसको इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी विजुअल करेंगे तो या फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इसी के ऊपर पेस्ट होता है, फिर इसको यहाँ इस तरह से हटाना। हाँ तो आपको आप कॉपी पेस्ट करके फिर नीचे ले आइए। यहाँ कर्सर सिस्टम नहीं ना होता है कि हाँ कर्सर यहाँ यहाँ पेस्ट होगा, कर्सर सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे जी, कर्सर सिस्टम नहीं होता है, इसी के ऊपर कॉपी पेस्ट होगा तो उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मल्टी कार्ड। जैसे मैं जितने भी मेरे प्रोडक्ट है ना सारे प्रोडक्ट का सेल चाहिए तो हम टेबल में रख सकते हैं। मैं टेबल लिया, टेबल में हमने प्रोडक्ट रख दिया और इसकी क्वांटिटी, ये तो टेबल फॉर्मेट में इस तरह से दिख रहा है। मैं थोड़ा सा अलग दिखाना चाहता हूं, यहां पे एक और ऑप्शन आता है मल्टी कार्ड। क्या आता है? मल्टी कार्ड, मल्टी रो कार्ड, मल्टी रो कार्ड। ये आपको याद रखिएगा, वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। इसमें मैं अपना प्रोडक्ट रख दिया और अपना मैं क्वांटिटी रख, इस तरह से सबकी सेल्स यहां पे आपको दिख रही है। ठीक है, अब इसकी भी एक फॉर्मेटिंग है, जैसे कि लेवल कैटेगरी लेवल ऑफ कर देंगे तो सम यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी करके आ रहा था वो नहीं आएगा, तो बेटर फील होगा आपका यहाँ पे। देखिए इस तरह से, देन कार्ड, ये जो बोल्ड दिखा है कार्ड है इसको बोल्ड कर दीजिए थोड़ा सा, इसकी साइज बढ़ाना है साइज बढ़ा दीजिए। दोनों वैल्यू अलग अलग कैसे हैं कार्ड और दिख रहा है जैसे एक्सेस एक्सेस 7 2 ट्रांसलेट सही तो है। है ना, अंदर का हाथ वो इसके जो राइट वाला जो टेबल है ना उसके नीचे कैसा है, तो जैसे राइट ऊपर राइट हैंड जगह तो देखिए ये ऊपर हो गया, उसके लिए वैल्यू हो गई, ऊपर जैसे लोग इसके नीचे वैल्यू हो, इस तरह से। ठीक है, और इसकी जनरल की फॉर्मेटिंग भी सेम वही है जो फॉर्मेटिंग सबकी होती है।
यहाँ पे एक आता है एक्सेस बार दिख रहा है ना आपको, जो ये दिख रहा है इसको एक्सेस बार कर, इसको ऑफ कर देंगे तो नहीं दिखेगा, ऑन करेगा आएगा। आप इसकी बढ़ाना चाहते हैं, इसकी विड्थ, इसकी कलर जो है ब्लू हो या कोई और कलर हो, और इसकी थोड़ा सा बढ़ाओ इस तरह से, इसको बढ़ा दो, ठीक है 10 नहीं देते, 10 से ज्यादा नहीं देते, ठीक है। स्टाइल है कि आपको टॉप में चाहिए, टॉप में आएगा बॉर्डर, बॉर्डर पोजीशन, यहाँ पे आउटलाइन, आउटलाइन कलर, पैडिंग, पैडिंग कम कर लीजिए तो छोटा होगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, जैसे मैं चाहता हूं कि जो लेस देन 1000 है वो हाईलाइट, तो इफेक्ट्स पे आइए, यहाँ पे रूल्स, रूल्स में यहाँ पे मैंने बोला क्वांटिटी और मिनिमम, यहाँ पे ग्रेटर देन मिन कर दिया और लेस देन मैंने कर दिया 1000, और यहाँ पे कलर दे दिया रेड, मैंने ओके। ये जीएस तो नहीं हाई लेवल मिनिमम रूल्स क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी रखा है ना मैंने, जीएस के कलर हम कलरफुल हो जाना चाहिए था, ये कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, ये 1 बाय 1 कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, ओवरऑल कैलकुलेशन कर रहा है सर, ये मल्टी कार्ड इसलिए यूज किया। मल्टी कार्ड के बाद जो लास्ट हमारा है वो है गज चार्ट। गज चार्ट हम यूज करते हैं एक तरह से कंपेयरिंग के। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्वांटिटी को डाला तो आप देखेंगे इस तरह से क्वांटिटी दिखता है, राइट। अब इसमें तीन चीजें हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड टारगेट। मिनिमम यहाँ जैसे फिलहाल डिफॉल्ट इसने 0 के ले लिया, मैक्सिमम यहाँ ऑटोमेटिकली जो नंबर होता है उसे डबल ले लेता है। जब इसमें आते हैं यहाँ तो यहाँ पे गज एक्सिस में देखिए मिनिमम ऑटो है, मैक्सिमम में यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना कि तो भाई कुछ और होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप मैनुअल लिख दीजिए कि तो भाई यहाँ मैक्सिमम जो है वो 1 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे टारगेट, तो टारगेट में मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि यहां पे सम ऑफ टारगेट है हमारे पास, यहां पे टारगेट, यहां टारगेट आ गया, या फंक्शन लगाने के जगह पे यहां आप टारगेट को रख भी सकते, टारगेट दिख रहा है, इस टारगेट को यहां पे तो आपको दिख रहा है कि टारगेट अचीव है, 487 का टारगेट था, 487.9 है, और टारगेट के लिए यहाँ पे एक ब्लू तरह का पट्टी आपको दिख रहा है, इट मीन्स इसने टारगेट अचीव था। इस वजह से इसकी फॉर्मेटिंग है कि आप अपना कलर चूज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम चीज जो क्वेश्चन है मैक्सिमम की तरह होगा, क्या बोले मैक्सिमम मतलब जो टारगेट अचीव है तो मैक्सिमम की तरह चीज होगा ना ये तो। तो अगर आपको ऐसा चाहिए टारगेट अचीव्ड है तो आप यहाँ पे जो मैक्स वाला मैक्सिमम वाले फील्ड में टारगेट को रख दीजिए, हो गया, ठीक है।
मैक्सिमम 12 रूल में टारगेट को रख दीजिए। मैंने मैनुअल मैक्सिमम सेट किया था ना, यहाँ पे देख मैंने गज चार्ट लिया, या गज चार्ट में हमने वैल्यू में अपनी क्वांटिटी ले ली, मिनिमम जीरो छोड़ दिया, मैक्सिमम में टारगेट को उठाया और मैक्सिमम में डाल, ठीक है, टारगेट को टारगेट में डाल के मैक्सिमम में डाल, तो ऑटोमेटिक इसका सम ऑफ टारगेट आ गया, इसका उतना ही गज बना, जिससे पता चला है कि ओवरऑल टारगेट हमने अचीव कर लिया। अब इसको अगर स्लाइसर लू और स्लाइसर के अंदर मान लीजिए कि मैं अलग अलग एसओ लेता हूँ सेल्स ऑफिस, अब इसका अलग अलग है, देखिए सबके हिसाब से उसी तरह से टारगेट भी है और उसे सबने अपना टारगेट अचीव किया, तो ऐसा नहीं है जिसने टारगेट अचीव नहीं किया। देखिए यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो दिख रहा है यहाँ पे जो छूट गया जगह, क्या सर देखिए नहीं हुआ है, समझे? यहाँ पे मैं एसओ टारगेट प्रोडक्ट रखता हूँ, देखिए जी इसका 103 का टारगेट था, 191 में सीट किया है, जिसका टारगेट चाहिए पूरा दिखा रहा है, इसका टारगेट रिसीव नहीं है, देखिए इसका टारगेट रिसीव नहीं है तो कब दिख रहा है, समझे? तो आप इसको टारगेट को रख दीजिए तो उस हिसाब से होगा, या फिर आप चाहते कि नहीं टारगेट यहाँ पे शो अलग से मैक्सिमम डिसाइड कर लीजिए, वो आपके डिपेंड करता है, क्लियर है? कोई डाउट सर किसी को? अब यहां ये तो हो गई, अब यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं कि इसकी फॉर्मेटिंग्स के बारे में एक बार देख, तो फॉर्मेटिंग्स में यहाँ पे गज एक्सिस है मैं बताया है, इसके बाद कलर्स हैं, आप कलर चूज कर सकते हैं इसका, दोनों का डेटा लेवल है जो 489 आ रहा है, इसको ला सकते हैं या हटा सकते हैं, जिसकी फॉर्मेटिंग है उसी तरह से यहाँ पे टारगेट लेवल है, टारगेट लेवल रख के हटा दीजिए, ऐसी वैल्यू है रखिए हटा दीजिए, और उसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग सबकी सेम है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल की फॉर्मेटिंग सबकी सेम होती है, उसमें भी अलग नहीं। तो आज मैंने चार चीजों पे डिस्कस किया, दो तीन चीजों पे, पहले पहले हमने कार्ड में मल्टी कार्ड और गज चार्ट, इसमें हम बात करते हैं स्लाइसर। स्लाइसर का यूज होता है कि जो आपने विजुलाइजेशन बनाया है उसको फिल्टर फिल्टर करने, तो आपने स्लाइसर लीजिए जहां रखना रखिए और जिस स्किल को फिल्टर करना चाहते हैं उस स्किल को यहाँ पर ड्रॉप कीजिए। अब यहाँ पे जो है जैसा फिल्टर के अंदर वैल्यू होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाए, इसलिए देखिए हमने ईयर डाला तो ये आपका बिटवीन आ गया, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डालूं तो क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं लिस्ट आ गई, उसी तरह से अगर मैं डेट डाला तो डेट भी आपका इस तरह से लिस्ट में आ गया, लेकिन आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट में जाइएगा तो सबसे पहले आता है स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर सेटिंग में ऑप्शंस में स्टाइल है कि आपको वर्टिकल लिस्ट में चाहिए या टाइल्स में चाहिए या फिर ड्रॉप डाउन में चाहिए या बिटवीन में चाहिए या ग्रेटर देन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ इस तरह का चाहिए, तो आप चूज कर सकते हैं जैसा लिस्ट आपको चाहिए उस तरह से, ठीक है। और सेम इसकी इसके अलावा यहां हम बात करते हैं सिलेक्शन में कि क्या मल्टीपल सिलेक्शन होना चाहिए या सिंगल सिलेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन विथ कंट्रोल चेकबॉक्स, सॉरी चेकबॉक्स, चेकबॉक्स के साथ मल्टीपल सिलेक्शन आप कर सकते हैं। अभी बोले से एक ही हो रहा है मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो आपको कंट्रोल प्रेस कीजिएगा ना तो मल्टीपल सिलेक्शन, अब मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ के जगह पे सिंगल सिलेक्ट कर दिया, मल्टीपल सिलेक्शन हटा दिया, सिंगल सिलेक्ट कर दिया, तो अब देखिए हम कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं एक से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे शो ऑल क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा स्लो ऑल का,
सिंगल सेलेक्ट भी आप कर दीजिए, और यहाँ पे शो ऑल है, नहीं सिंगल सेलेक्ट में एक ही होगा, शो ऑल नहीं आता है। शो ऑल तब आएगा जब आप एआई करेंगे, सिंगल सेलेक्ट ऑफ। स्लाइसर की जो हेडिंग ईयर है इसके इसकी अलग अपना कुछ अलग डाल दीजिए, उसकी फॉर्मेटिंग, उसका बॉर्डर, उसका बैकग्राउंड, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे दे सकते, और जनरल में जो जनरल की सेटिंग्स वो दे सकते हैं। तो स्लाइसर समझ में आ गया, इन तीनों की प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इन इन सब की मदद से एक डैशबोर्ड बनाए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मेरा, पूछिए। हेलो, हाँ पूछिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे पावर बीआई में डेटा क्लीनिंग करते हैं, हाँ, इसके बाद में उस डेटा को एक्सेल में ले जा सकते हैं सर? ठीक है, हाँ ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको यहाँ पे पावर क्यूरी इस्तेमाल करना, सॉरी क्यूरी क्यूरी अच्छा क्यूरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। से ले जा सकते हैं जी, यहाँ आ गया ना क्यूरी, और इसको कॉपी कीजिए, जहां ले जाना ले जाइए एंटायर टेबल एंड कॉपी कीजिए। अच्छा, ये क्या लिखा है सर? सीट वन दे दिया, डेटा नेम दे दिया, आगे उसको कॉपी करके ले जाइए, जहां ले जाना, ठीक है। ठीक सर, ओके, गुड नाइट।